గజ్వల్ నియోజకవర్గంలో పంజాబ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పర్యటించారు. సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వల్ నియోజకవర్గంలో పంజాబ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పర్యటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్మాణమైన కొండపోచమ్మ సాగర్ ను పరిశీలించి పంపవలసిన నిర్మాణాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్య కార్యదర్శి పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రికి ప్రాజెక్టు వివరాలు, నిర్మాణ వ్యాయామం, ఎన్ని లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించడానికి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రణాళికపై వివరించారు. కొండపోచమ్మ సాగర్ పరిశీలించిన అనంతరం పంప్ హౌస్ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించి కూడవెల్లి వాగుపై ఏర్పాటు చేసిన వంతెనను పరిశీలించారు. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవాన్ ఆ తర్వాత గజ్వల్ పట్టణంలో పాండవుల చెరువును పరిశీలించి అధికారులతో కాసేపు ముచ్చటించారు. ఎర్రవెల్లి కూడవెల్లి వాగును పరిశీలించిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాలువల ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగును అందుతున్న ప్రాజెక్టును పరిశీలించి కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టులు పంజాబ్ లో నిర్మితం చేయడానికి తాను పరిశీలించిన విషయాన్ని మీడియాతో చెప్పారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగునీటికి కొరత లేకుండా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు చేపట్టిన కాలుష్యం ప్రాజెక్టుపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పంజాబ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి భగవత్ మాన్ తర్వాత వేసవిలో కాలువల ద్వారా నీరు అందించడం దేశంలో తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉందని మీడియాకు చెప్పారు. తెలంగాణలో అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలు పంజాబ్ లో అమలు చేయడానికి ఇక్కడ చూసిన పరిశీలించిన ప్రభుత్వ పథకాలు తమ రాష్ట్రంలో అమలుకు నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. हम मुख्यमंत्री केसीआर जी के निमंत्रण पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम आए थे. वो आई कैंप था बहुत बड़ा, उसमें हम पार्टिसिपेट करने आए थे. तभी हमें पता चला कि यहाँ पे छोटे छोटे चेक डैम्स गाँव में और बहुत बड़े बड़े डैम्स भी बनाए गए हैं और पानी को जो ज्योग्राफिकल स्थिति तेलंगाना की है कि उसमें पानी ऊपर उठा के लगभग 500 मीटर से ज़्यादा ऊपर उठा के उसके बाद डैम बना के उसके बाद ग्रेविटी के साथ इसको सिंचाई के लिए दिया जाता है, पानी पीने के लिए दिया जाता है. हम वो देखने आए थे. हालांकि पंजाब में ज्योग्राफिकली हमें फ़ायदा ये है कि हमारा पानी वो ऑलरेडी हमारा बहुत ऊँची जगह पे है. अंगल डैम हो, रणजीत सागर डैम है हमारे पास, गोविंद सागर झील है और हमारा जो ग्रेविटी की सिचुएशन है वो है कि पूरे पंजाब को वहाँ से पानी जाता है. लेकिन क्योंकि पंजाब का जो कैनाल सिस्टम है वो पार्टीशन से पुराना है, 1947 से भी पुराना है, जब पाकिस्तान और का पंजाब और ये पंजाब इकट्ठे होते थे तो वो नहरें टूट गई हैं. कुछ पुरानी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया. छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी हमारे पंजाबी में उसको सूआ बोलते हैं, कस्सियाँ बोलते हैं, छोटे खाले वो बंद हो गए हैं. तो पैडी उगाने में नंबर वन है देश में पंजाब, लेकिन पैडी उगाने में हमारा ग्राउंड का पानी बहुत इस्तेमाल होता था. 1 किलो चावल उगाने के लिए 3800 लीटर पानी हम धरती से निकाल लेते, महंगा पड़ता है बहुत महंगा. अब हमारा ये हालत हो गई है कि हमारे 80% से ज़्यादा जो जोन है वो ब्लैक डार्क जोन में चले गए, पर लो चला गया है. तो हमें अब ज़रूरत है कि 14 लाख जो ट्यूबवेल हैं उनको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धान और गेहूं के बिना सेंट्रल सरकार किसी और फसल को पानी को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें, नहरों के पानी को, नदियों के पानी को, क्योंकि पंजाब का नाम ही नदियों पर है. 5 आब 5 पानी. तो सतलुज है हमारे पास, ब्यास है और बहुत भाखड़ा है, बहुत सी नदियाँ जो हैं वो पंजाब में हर 20 किलोमीटर बाद, हर 15 किलोमीटर बाद कोई ना कोई नदी है. उनको अगर हम चैनलाइज कर लें और चेक डैम हमारे गांव में भी, हर गांव में एक छोटा गांव है तो एक है, बड़ा गांव है तो दो दो तीन तीन भी हमारे यहाँ हर गांव में तालाब बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, टोबा बोलते हैं, पौंड जिसको बोलते हो, तो उनको भी हम चेक डैम बना के उनका पानी जो है उसी गांव की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ग्राउंड का
पानी जो है बचे। तो अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में जब पंजाब में हम आज से लगभग एक साल पहले जो है प्रचार कर रहे थे चुनाव का, तो हम ये भी एक गारंटी दे रहे थे कि पंजाब के किसानों के लिए हम नई नई स्कीमें लाएंगे और धान की बुआई से हम किसानों को बाहर निकालेंगे, कोई और फसलें जिन पर MSP हो जा, उतने पैसे उनको बने, उतना फ़ायदा उनको हो जितना धान बीजने पर होता है। चाहे पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, इतनी जरखेज़ है, कुछ भी बीज सकते हैं हम, मक्की बीज सकते हैं, बाजरा बीज सकते हैं, सनफ्लावर बीज सकते हैं, किन्नू हमारे यहाँ होते हैं, कपास, नरमा हमारे यहाँ बहुत बड़ा एरिया नरमा कपास में, गन्ना है हमारे पास, और पॉपुलर हमारा होशियारपुर का एरिया पॉपुलर, उसमें पोटैटो, गार्लिक कुछ भी उगा सकते हैं हम। लेकिन मैंने पहले बताया कि ड्यू टू लैक ऑफ MSP तो किसान उस उन फसलों की तरफ तजर्बा करने नहीं जाते। अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने सरकार किसान मिलनी की थी, बहुत से किसान आए, उनसे हमने पूछा कितनी तारीख को आपको नहर में पानी चाहिए, कितनी तारीख को नहर बंद चाहिए, कितनी तारीख को आपको बिजली शाम को 7 बजे से 2 बजे तक चाहिए रात को खेतों के लिए, कितनी तारीख को सुबह 4 बजे से चाहिए खेतों के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर हम तेलंगाना का ये मॉडल काफ़ी हद तक हम अगर कामयाब होते हैं इसको पंजाब में लागू करने में, तो पंजाब का पानी भी बचेगा और हमारी जो बिजली की सब्सिडी है वो भी बचेगी, और उसी सब्सिडी से हम किसान को और उनके लिए स्कीमें दे सकते हैं, उनके लिए और उनके जो सहायक धंधे हैं जैसे डेयरी है, बेर का बहुत बड़ा हमारा सहकारी संस्था है, बेर का है, मार्क फेड है, मिल्क फेड है। तो पंजाब जो है इंडस्ट्रियलिस्टों से भी मिला था, बहुत से इंडस्ट्री सभी जा रहे हैं, 23-24 फरवरी को हमारा इन्वेस्टमेंट सबमिट है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये ट्रिप जो है स्पेशली फॉर ग्राउंड वाटर एंड टू चेक द चेक डैम्स ऑफ तेलंगाना। सो माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना KCR जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है कि आप आइए, हम आपको दिखाएंगे कि कैसा कैसा हो सकता है। सीखने के लिए आदमी कहीं भी जा सकता है तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे, फायदा होता है ऊपर लाएगा ना 500 मीटर ऊपर लाए तो। हाँ देखो, ये क्योंकि भौगोलिक स्थिति जो है तेलंगाना की वो ये है कि पानी ऊपर लेके जाना है, लेकिन हमारी भौगोलिक स्थिति जो है ये है कि हमारे पास नंगल रंजीसा का डैम हिमाचल से पानी आता है, हम यहाँ इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमें चैनलाइज करना है बस, जो नहरें बंद हो गई हैं दोबारा करनी पड़ेंगी, उनको उनका रिपेयर करना पड़ेगा, अंडरग्राउंड पाइप्स कस्ट्री के लिए चाहे खेती के लिए कैनाल वाटर यूज़ हो ताकि ग्राउंड का वाटर हमारा बच सके जो ऊपर आ सके। जहाँ पे पता चला है कि 5 मीटर से ज़्यादा पानी ऊपर आ गया, और हमारे यहाँ डार्क जोन में है कुछ डिस्ट्रिक्ट तो हमारे बिल्कुल डार्क जोन में है, जितनी हॉर्स पावर की मोटर से और जितनी गहराई से पंजाब में हम पानी निकालते हैं आपको सुनकर हैरानी होगी, जितने हॉर्स पावर की मोटर से और जितनी गहराई से पंजाब में धान उगाने के लिए पानी निकाला जाता है, उतनी ही गहराई से, उतनी ही हॉर्स पावर की मोटर से दुबई में तेल निकालते हैं। चले गए हम पानी के तीसरे लेवल पर, चले गए तीसरी लेयर तक चले गए हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को हमने पानी छोड़ना है, उनके लिए पानी ख़त्म नहीं करके जाएंगे हम। तो यहाँ से हमें आइडिया मिला तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आइडिया हमें सक्सेसफुल मिल रहा है। गलतियाँ हो गई होंगी यहाँ भी, वो कहते हैं ना कि जिसने गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया, तो गलतियाँ भी यहाँ हुई होंगी, उनसे सीखा होगा इंजीनियर्स ने, तेलंगाना के इंजीनियर्स ने, फिर वो गलतियाँ हमें बताएंगे कि हमने ये किया था, इससे ये हो सकता है, इसलिए ये मत करना। तो हमें ज़्यादा बेटर और ज़्यादा रिफाइंड जो मॉडल जो है वो हमें मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पंजाब में बिल्कुल ऐसा चेक डैम्स एंड ऐसे ही पानी के जो आपने बनाए हैं सोर्सेस वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్
Serenity Module High School, Nakaram. Admissions are in progress. Call 0402714689 and 0402714869.